हमारे साथ बी शारदा प्रसन्ना है, वाराणसी से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मैं 64,500 पे 5 लाख चांदी बाय कर रखा हूँ नवम्बर कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या करूँ? सोचता हूँ क्या करूँ, निकल जाऊँ यार। 64,500 पर इन्होंने आगे का कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। विभू, इनके प्रोस्पेक्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? मौजूदा हालत तो चांदी की ठीक नहीं लग रही है। विभू, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कट गया, लाइन कट गया। ओके, विभू को लगता है हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम बी शारदा जी का सवाल आगे लेंगे। तब तक हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे हमारे दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं उनका सवाल ले लेते हैं। उज्जैन से हमारे साथ गौरव जी हैं फोन लाइन पर। गौरव, क्या सवाल है आपका? मैं लेस के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप बता सकते हैं लेस में? चलिए, एक और सवाल नॉन एग्रो कमोडिटीज में है। विभू से अभी हम बात नहीं कर पा रहे, उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक, सवाल जवाब का सिलसिला कमोडिटी कॉल पर जारी है। कुछ ही देर पहले बी शारदा प्रसन्ना जी ने अपना सवाल हमसे वाराणसी से पूछा था। विभू, इनका सवाल चांदी में है। इन्होंने 5 लॉट नवंबर के उठा रखे 64,500 के भाव से। क्या लगता है, इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए, आपको लगता है कि अब लॉस बुक कर लें? यहाँ पे मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है यहाँ पे बने रहना। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो मेरी राय है कि एक जो भी एक बाउंस बैक मिल रहा है उसमें एग्जिट करना वो ज्यादा बेटर होगा। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नजरिया बना रहे हैं तो उसको आप फिजिकल में कन्वर्ट सकते हो, आप यहाँ पे उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर लीजिए। आप थोड़ी लंबी अवधि बना लीजिए उसको, 1.5 ईयर, 1 ईयर या 1.5 ईयर, तो डेफिनेटली कि आपको उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो बिल्कुल आपको जो भी एक बाउंस बैक मिल रहा है उसमें आपको लॉस बुक करना वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा। हमारे एक और दर्शक गौरव जी ने अपना सवाल हमसे उज्जैन से पूछा था। लेड पर इनका सवाल है। ये बेसिकली जानना चाह रहे थे कि अगर उन्हें शॉर्ट की रणनीति लेड में अपनानी है तो उन्हें करना क्या चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे लेड में एक 109 का मैं मान रहा हूँ, एक अच्छा यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 109 के नीचे हम यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1110 के स्टॉप लॉस से। आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समय अराउंड 107.50 to 107 का लेवल। चलिए, SMS के जरिए एक सवाल हमें अकोला से आया है। वल्लभ दास लखुटिया जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। जगदीप, ये सवाल चने में है। हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि क्या चने में निवेश करने का ये सही मौका है? एक ऐसी कमोडिटी जो अच्छी खासी मजबूती दिखा रही है, ऑल्दो आज हमने देखा कि यहाँ पर भी एक शुरुआती तेजी के बाद गिरावट हावी हो गई है। देखिए, जैसे अपने चने में इस वीक भी और पिछले वीक भी डिस्कस हुआ था, दशहरे तक की जो इन्वेंट्री थी वो कवर हो चुकी थी। अब दशहरे के 2-3 दिन बाद जो है इसमें एक स्पर्ट अपने को ऊपर दिखाई दे सकता है। तो हाल फिलहाल जो है 4500 के लेवल्स अगर इसमें मिलते हैं नवंबर वायदा, वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय के इस भाव पे। 4500 के भाव पे लेके लगभग 4415 का एक स्टॉप लॉस लगा के वापस से 4600 तक के भाव देखने को मिलेंगे। चलिए, 200 रुपये का अपसाइड मुनाफा सीधा सीधा मिलेगा, लेकिन मौजूदा भाव से तकरीबन 100 रुपये की गिरावट का और इंतजार यहाँ से करना पड़ेगा। मोहिन हमारे साथ हैं कर्नाटक से फोन लाइन पर। मोहिन जी, हाय, क्या सवाल है आपका? हाय नेहा जी, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरा की शुभकामनाएं। मेरा सवाल सोने पे था। यहाँ पे जो हमने सोने में दबाव देखा है, क्या ये सोने में अभी भी पोटेंशियल है कि ये अपना जो पिछला टॉप लेवल है 1940 का उसको ब्रेकआउट करेगा, और करेगा तो कब तक? और मेरा दूसरा सवाल था कि इंटरनेशनल मार्केट में US इकोनॉमी भी दबाव में है कि फिस्कल स्लिप को लेकर, इसका इम्पैक्ट आप इंडियन मार्केट में कैसा देखते हैं और पर्टिकुलरली कमोडिटीज पे? विभू, यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे कि सोने में अगला जो स्पर्ट है जो हमने ऑल टाइम हाईस बनते हुए इंटरनेशनल मार्केट में देखे थे, वैसे आसार कब बनेंगे और घरेलू बाजार में कितनी और तेजी आने वाले समय में दिखने वाली है? बिल्कुल, यहाँ पे इस चीज का मैं दोनों तरीके से आपको आंसर दूंगा। पहला, यहाँ पे मैं टेक्निकली आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 1800-1810 के बीच में काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां से प्राइस 2 या 3 बार यहाँ पे करेक्ट कर चुका है, इवन वेरी रिसेंटली भी यहाँ पे करेक्ट कर चुका है। तो जब तक यहाँ पे 1810 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज हमें नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे टेक्निकली नहीं माना जाएगा कि आपको यहाँ पे नई हाई 1950 या जो भी आप बता रहे वो हाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जो पहला पड़ाव होगा या पहला ब्रेकआउट होगा वो 1810 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे
ये एक तेजी इतनी बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे फंडामेंटली जो हमने पहले डिस्कस किए, एक या दो फंडामेंटल जो मैंने बताए थे वो यहाँ पे अभी भी वीक बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यूएस की जो फेड की मीटिंग है या तो यूएस में जो इलेक्शन है, ये दोनों चीज काफी मायने रखेगी, बिकॉज आफ्टर पोस्ट इलेक्शन यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आती है और कौन सी यहाँ पे वो रणनीति लेते हैं, कौन सी इकोनॉमिकल यहाँ पे सिचुएशन बन के आती है, कैसे वो टैकल करते हैं सिचुएशन को, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिकॉज अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर की जो मूवमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को, मतलब बुलियंस के प्राइस को इम्पैक्ट करती है, एंड डॉलर जो मूवमेंट रहेगी वो बिल्कुल यूएस इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगी। तो वो चीज काफी क्रूशियल रहेगी आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें हम एक बड़ा सा व्यू बना पाएंगे पोस्ट फेड मीटिंग या तो पोस्ट यूएस इलेक्शन। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। जाने से पहले विभू और जगदीप, आप दोनों को बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।